दोस्तों, अगर कोई ऐप डेवलप करना चाहता है, आपको घर से डेवलप करना चाहता है, तो मैं इस वीडियो में आपको एंड तक बताऊंगा कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। डायरेक्ट google.com से डेवलप करना सिखाऊंगा, और आदर्श में आपको नहीं बताऊंगा, आदर्श से बनाया जाता है। दूसरों को बनने वाले भी आपका इनकम से इनकम कर लेते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा डायरेक्ट google.com से कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये सबको मैंने डेवलप करना सिखाया है, तो मेरे तरफ से सिखाया है, कैसे सिखाया है मैं आगे पूछ लेता हूँ इनकम से आपको कैसे हुआ है। अभी आप लोग के सामने मैंने पूछ लेता हूँ, आपको कैसा लगा मेरा डेवलप करना? हाँ, बहुत बढ़िया लगा है आपका डेवलप देखा है, बहुत अच्छा लगा है। फेसबुक ने बताया है बहुत बढ़िया लगा है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा था। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो ये सब तो मैंने सिखाया, और आप लोग भी इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, अगर एंड तक नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं पाएगा। तो मैं कौन सा किधर से आप होस्टिंग डोमेन लेना है सब कुछ मैंने बताऊंगा, और अच्छा एक वेबसाइट बना सकता है, और टिकटॉक यूट्यूब इसकी तरह से आप एक ऐप बना सकता है। ये तरीका मैंने आपको बताऊंगा, और जो अदर ऐप से वो दूसरा विड्रो google.com इससे बनती है, और मैं डायरेक्ट बताऊंगा google.com से, क्योंकि उससे बेहतर यूनिक होती है। तो यूट्यूब का URL पर जाके देखिए google.com आता है, फेसबुक का URL पर जाके देखिए google.com आता है, इसका मतलब google.com ही सबसे बेहतर है। तो मैं इससे डेवलप करना सिखाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए मैंने वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी करे। और मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, जो जो मेरे चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल का, साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा। आप अगर डेवलपर बनना चाहिए तो अच्छे खासा डेवलपर बनिए। डेवलपर अच्छे खासा बनने के लिए आपको पैसा भी बहुत खर्चा करना पड़ेगी, तो कितना खर्चा होगा ये भी मैंने आपको बताऊंगा। और डायरेक्ट google.com से ही डेवलप करना है, जैसे व्हाट्सएप ने डायरेक्ट google.com से ही डेवलप किया है, और फेसबुक यूट्यूब और बहुत सारी फ्लिपकार्ट अमेजोन ओला उबर ये सब डायरेक्ट google.com से ही किया है। तो दूसरा आदर्श है, बिग्रो और बहुत सारी ऐसा है होस्टिंगर, ऐसा बहुत सारी है कंपनी, तो आप इससे नहीं करना है। आप डायरेक्ट google.com से आप होस्टिंग परचेस करके आप एक डेवलपर बनना चाहता है तो आप कर सकते हैं। कैसे मैंने आपको शुरुआत से लेके एंड तक बताऊंगा, पूरी वीडियो को आप वॉच करिए, एक भी वर्ड आप मिस ना करें, तब आप समझ पाएगा। क्योंकि आप पूरा नहीं समझ पाएगा तो आप बाद में कमेंट करोगी क्या आप बताया है मुझे समझा नहीं है इस तरह से। अगर आपको समझा नहीं तो आप दोबारा वीडियो को देख लेना है, और वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ऐसा बताऊंगा, मतलब सभी हेडलाइन जिस लाइन से आप फास्ट में क्या करना है, सेकेंड में क्या करना है, ये सब रूल मैं आपको बता के जाऊँगा। बाद में आप ढूंढ ढूंढ कर इसी रिलेटेड वीडियो किसी और की भी देख सकता है। सबसे पहले तो मेन बात ये है, आपको फास्ट का बाद में सेकंड क्या आता है, थर्ड में क्या आता है, इस तरह की वो आप जानकारी सबसे पहले आपको होना चाहिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे पहले आप क्या करना है, नेक्स्ट में क्या करना है समझ नहीं पाएगा, तो आपको उल्टा पल्टा हो जाएगा, तब आप नहीं पैसा खर्चा करके वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले क्या, सेकेंड में क्या, इस तरह की सब आपको बताऊँगा। और google.com से कोई भी बनाने का अभी तक सिखाया नहीं होगा, सिखाया होगा लेकिन फर्स्ट ऑप्शन सिखाता है लेकिन सेकंड ऑप्शन नहीं सिखाता है इस तरह से। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, वीडियो को आप लोग देख लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोग फालतू वीडियो ज़्यादा देखने से आप एक ही वीडियो ज़्यादा टाइम लगा के देख लीजिए। अगर आपका पास टाइम नहीं है, वीडियो जितना तक देखा है लाइक करके यहाँ पर रख के दूसरी टाइम लाइक पर जाके वीडियो को फिर से देख लेना, ऐसे करके देख देख के आप एक डेवलपर बन सकता है। दोस्तों आप डेवलप आप वेबसाइट बनाने के बाद में आप ऐप बनाने का कोशिश करें। सबसे पहले आप एक अच्छा खासा वेबसाइट बना लीजिए, और आप एक नाम भी आपको रख लीजिए। तो ये मैं बाद में बताऊंगा जब होस्टिंग परचेस करोगे। तो सबसे पहले मैंने आपको कहता हूँ दोस्तों, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, सबसे पहले आपके पास एक ईमेल होना ज़रूरी है। आपका ईमेल तो मोबाइल में है ऑलरेडी, अगर आप उसी ईमेल पर बनाना चाहते हैं होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं तो इसी में कर सकता है। आप कंप्यूटर में इसको ओपन करिए, वरना आप एक कंप्यूटर होना ज़रूरी है, मोबाइल में नहीं कर सकता है, इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, कंप्यूटर PC लैपटॉप किसी में आप काम को कर सकता है। तो
आपको थोड़ा नॉलेज भी होना ज़रूरी है। सिर्फ पैसा होने से भी नहीं होगा, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, तब आप जाके ये काम कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है, पैसा है, आप किसी और थर्ड पार्टी आदमी लगा के काम करवाना है, तो ये भी मैं आपको तरीके बताऊंगा। थर्ड पार्टी आदमी आपको कहाँ पर मिलेगा, कौन सा आदमी से आप काम करा सकता है और सच में काम करके देगा कौन आदमी, ये भी मैं आपको बताऊँगा। आप अगर नहीं कर सकता तो आदमी लगा के काम करवा सकता है, मैं आपको आदमी बता के दूंगा कहाँ पर मिलेगा। तो मेरा भी ऐप, मैं भी ऐप बना चुका है। आपको मन में सवाल आएगा क्या आप तो मुझे सिखा रहे हैं, आप बनाया क्या, मैं भी दो ऐप बनाए हैं डेवलप करके, एक डेवलप करके बनाए हैं और एक कैसे ही बनाया, मतलब डेवलप नहीं किया है, ऐसे अच्छे खासे ऐप बना चुका है। अच्छा खासा ऐप होता है डेवलप बिना करके भी, और पैसा भी मिलता है एडमूव अकाउंट करके, मोनेटाइजेशन करके, दो तरीका है, एडमूव से भी मिलता है और मोनेटाइजेशन करके भी मिलता है। प्ले स्टोर में अगर पैर रखोगे तो भी पैसा मिलेगा, कोई डाउनलोड पैर रखने का ज़्यादा फायदा नहीं है, फ्री रखें। सभी मैं सिखाऊंगा, प्ले स्टोर में डालने का सभी बात ही सिखाऊंगा मैं, पैर कैसा है और फ्री में कैसे डालना है सब कुछ मैंने बताऊंगा। ऑलरेडी प्ले स्टोर में डालने का से लेके ईमेल बनाने से लेके प्ले स्टोर में डालने का इतना तक मैंने आपको बताऊंगा, तब और कुछ आपको मन में कंफ्यूज नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको एक ईमेल तो कंप्यूटर में होना चाहिए, कंप्यूटर में जब आपको ईमेल हो जाएगा तब आप उस पर गूगल क्लाउड पर जाइए। गूगल क्लाउड आप गूगल पर सर्च करिए, क्रोम ब्राउजर में सर्च करने के बाद में क्रोम ब्राउजर में ही सर्च करिए, अगर कुछ चला गया तो दोबारा मिल सकता है, इसीलिए क्रोम ब्राउजर में करिए। क्रोम ब्राउजर में करने के बाद में आप सर्च करिए यहाँ पर गूगल क्लाउड, वहाँ पर गूगल क्लाउड सर्च करने के बाद में गूगल का डेवलपर साइट आ जाएगा, और यहाँ से आप एक डोमेन होस्टिंग परचेस कर लाना। परचेस करने के बाद में इसका थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, दूसरा में 4-5 हज़ार, 2 हज़ार, 3 हज़ार ऐसा में हो जाता है। गूगल क्लाउड में बहुत पैसा खर्चा होगा, 30,000 का अंदर हो जाएगा आपको, तो आप इतना खर्चा कर लीजिए। और गूगल में गूगल बहुत अच्छा है, आपको तो सब पता है गूगल का जो प्रोडक्ट होती है ये सब कुछ ख़राब नहीं होता है, इसीलिए आप गूगल पर ही करिए। तो मैं आपको तो आप गूगल से ही करें, करने होस्टिंग डोमेन परचेस करने के बाद में आप सेकंड में क्या करना है, इस डोमेन और होस्टिंग इसको आप नीचे में आपको जब परचेस करोगी तो आपको मिल जाएगा वर्डप्रेस, वर्डप्रेस पर आप इसको ज्वाइन कर देना। वर्डप्रेस अकाउंट करने के बाद में आपको पब्लिश करने कर दीजिए, करने के बाद में आपका वेबसाइट आ जाएगा पब्लिश पर। अगर आप पब्लिश नहीं करोगी तो आप प्राइवेट करके रख सकते हैं, पब्लिक करोगी तो आप आदमी लोग देख सकता है, देखेगा सर्चिंग में आएगा गूगल पर, इस तरह से हो जाएगा। और सर्च में नहीं आ रहा है तो सर्च कंसोल पर आप दूसरी दो तीन तरीका में गूगल सर्च कंसोल पर भी डाल सकते हैं, वहाँ पर भी सर्चिंग में मिलेगा। तो इसके लिए बाद में जब आपको पब्लिश कर दिया उसका बाद में इसका तो मेन काम अभी है बॉटम वेबसाइट पर क्या लगाना है, क्या पर क्या करना है, सब कुछ बटम लगाना है, ये सब XML जावा कोडिंग ये सब आपको जानना ही होगी। और XML जावा इसका मतलब है मतलब बॉटम कहाँ पर आप लगाना है, जब मान लो टिकटॉक बनाया है जो इसके जब क्या है XML जावा, तब इसका लाइक बटम कहाँ पर लगाना है, किस तरह से लगाना है, वो अपना ऊपर डिफरेंस करेगा, क्योंकि आप कैसा लगाना है लाइक बटम। फेसबुक में देखिए लाइक बटम किस तरह से, और टिकटॉक में किस तरह से दिल का जैसा है, और फेसबुक में हैंड का जैसा है, तो आपके ऊपर डिफरेंस आएगा किस तरह से लाइक बटन लगाना है, वो आप लगा सकता है इसको। और बॉटम कहाँ पर देना है, लेफ्ट साइड में देना है, राइट साइड में देना है, बीच में देना है, ऊपर में देना है, नीचे देना है, कहाँ पर हुआ आपके ऊपर डिफरेंस है, ये सब XML जावा होती है। तो डिजाइनिंग का मतलब लाइक बटन को आप किस तरह से रखना है। देखिए जब टिकटॉक में लाइक करता है तो दो तीन बार टास्क किया तो दो चार बार करके जाता है लाइक बटन, दिल उड़ कर जाती है, तो इस तरह से आप किस तरह से लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये आप लोगों कैसा लगाना है आपका ऐप का, आपका वेबसाइट का थंबनेल कैसा लगाना है, लोगों कैसे लगाना है, ये सब जावा डिजाइनिंग होती है, तो ये सब डिजाइनिंग आप कर लेना है। डिजाइनिंग आपका ऐप का अंदर क्या क्या चीज़ रखना है, और कौन सा मोबाइल पर किस तरह से दिखाई देगा,
ये सब आप सभी सेटिंग कर लेना है। करने के बाद में ये सब आप तो ऐप बनाओगी तो आपका एंड्रॉयड ऐप डेवलपर यहाँ से आप कर सकते हैं। तो वेबसाइट के हिसाब से आप इसको ये कर लेना, इमेज कर लेना। ऐप बनाओगी तो वहाँ से आप एडिटिंग अच्छे कर सकते हैं। बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में आप एक वीडियो देख लेना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ी एक सॉफ्टवेयर है, इसे आप जॉइन करके आपका वेबसाइट को कमाल कर देना है, अच्छी एक सॉफ्टवेयर बना देना है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से सब कुछ बनता है, जो जो बड़ा बड़ी प्लेटफॉर्म है ये सभी बना हुआ है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से। जैसे कि मान लो क्रोम ब्राउजर यो है ना, सब कुछ ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से, ये गूगल का ही है। उससे आप एक सॉफ्टवेयर कर लेना, करने के बाद में आप ऐप बनाने के लिए ऐप एडिटर है एक, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, वहाँ पर से आप एक ऐप क्रिएट कर लेना। ऐप क्रिएट करोगी जब आप डिजाइनिंग सब कुछ कर सकता है, और मतलब पबजी गेम है ना, पबजी गेम जैसा इस तरह से, फ्री फायर इस तरह से गेम बनाना है। अगर कुछ गाड़ी का गेम बनाना है, मान लो गाड़ी में जब कोई गियर दबाता है गाड़ी स्पीड होता है, एस्कल्डर दबाएगा गाड़ी स्पीड होता है, इस तरह की जो सारी ऑप्शन है सब आप देने कैसा देता। और पबजी में देखिए तो जूम करके देखते हैं कहाँ पर है कोई आदमी, किसको शॉट करेगा, बंदूक कैसे रखना है, कहाँ पर रखना है। तो जब शॉट करने लगेगा एक बंदूक का गोली खत्म हो गया और एक बंदूक उठाना है, गाड़ी में जाना है, इस तरह काफ़ी सारी देखा है ना पबजी गेम में, इस तरह से आप भी कर सकता है। तो ये सब एडिटिंग के लिए आपको साइट में दिखाई दे रहा होगा, दो मैं डाल दूंगा यहाँ पे, दो साइट का ऑप्शन है, ये साइट को आप नाम सर्च कर लीजिए गूगल पर। सर्च करने के बाद में उसके बारे में आप वीडियो देख लेना, उसके बारे में आपको वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा क्या ये, इससे क्या काम होती है, बहुत बेहतर काम होती है, इससे आप कर सकते हैं अगर आप गेमिंग वगैरह कुछ काम बनाना चाहता है। तो टिकटॉक का जैसा, यूट्यूब का जैसा है, कैप बनाने के लिए या अदर बिजनेस के लिए आप बना लीजिए इस तरह से। मतलब आपको बहुत नॉलेज की होना ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज नहीं होगा तो आपको ये काम नहीं कर सकता है। उसके बाद जितना सारी साइट में काम, जितना साइट से आप काम करना है सभी में स्क्रीन पर मोबाइल के स्क्रीन ऑन करके वहाँ पर मैंने देखा दूंगा। तो आप लोग थोड़ा रुकिए, सभी साइट मैंने आपको दिखाऊंगा, जिस साइट को आपका काम में लगेगी वो मैं वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा। और दिखाने का पहले मैंने एक एक करके दिखाऊंगा, जैसे आप पूरा नाम भी देख सकते हैं और सर्च भी करके उसका रिलेटेड वीडियो भी आदर्श चैनल पर भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन एक वीडियो में सब कुछ बताया ऐसा वीडियो नहीं देखोगे आप, इससे ही मेरा वीडियो से ही जानकारी ले लीजिए। तो मैं बाद में दिखाऊंगा और मैं आपका मेरा ऐप भी आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप मान लीजिए पैसा खरीद करके आप किसी और आदमी से काम करवाना है, आपके पास नॉलेज नहीं है, किसी थर्ड पार्टी आदमी लगा के आप ऐप को ऐप पर काम करवाना है, तो इसके लिए आपको कौन सा साइट से आप करना पड़ेगी और ये मैं आपको बताऊंगा खर्चा कितना होगा। थर्ड पार्टी आदमी लगा के काम करवाओगे तो कितना खर्चा पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा। और इंस्टाग्राम बनाने में, व्हाट्सएप बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ है ये भी मैंने आपको बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा आप इसी तरह की ऐप बनाओगी तो आपको कितना खर्चा आएगा ये मैं अभी बता देता हूँ। दोस्तों इंस्टाग्राम जो बनाया है इसको 30 लाख स्टार्टिंग में खर्चा हुआ है, बाद में तो उसका पैसा आ रहा है इधर से, दूसरा जो आदमी काम कर रहा है उस पर वीडियो डाल रहा है, फेमस हो रहा है, उनको पैसा देता है, एक तरफ में आता है एक तरफ में जाता है, यह सब तो करना ही पड़ेगी। पहले स्टार्टिंग में पूरा सब कुछ ओके करने के लिए 30 लाख तक खर्चा हुआ है, ठीक है, 30 लाख खर्चा हुआ है। आप सोचो कि बहुत 30 लाख बहुत पैसा है, लेकिन हाँ बहुत पर्चा खर्चा करना पड़ता है तो आप बना सकते हैं। अगर आप खुद बनाओगी तो आपको 2 लाख से 2.5 लाख तक खर्चा होगा, उसके अंदर हो जाएगा। अगर आप नहीं कर सकता तो आपको खर्चा
अगर किसी थर्ड पार्टी से आप सिंपली एक सिंपल एक बनाइए पहले, तो आप मान लो आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप सिंपल एक ऐप बनाइए। मान लो आप 5 लाख मिनिमम, आपको 5 लाख लगेगा ही, डेवलपर बनना चाहिए ना। इसलिए अगर आप अदर्स कोई फेक बनाओगे तो आपको इतना पैसा नहीं लगेगा, डेवलप करोगे तो आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और आपका डेवलपर हो गया और इसका नाम होस्टिंग ये सब महीना के लिए लोगी तो महीना में रेन्यू करना पड़ेगा। गूगल से तो डायरेक्टली रेन्यू कर देता है, आपको बाद में पैसा देना होती है। और रेन्यूएबल नहीं करोगी तो ये हो रिमूव हो जाएगा, दूसरा आदमी परचेस कर सकता है इस नाम पे किसी वेबसाइट। और ये ना आप डेवलप आप जियो करके रखोगी तो रिन्यूएबल करके रखोगी तो किसी और नहीं ले सकता, तो इसके लिए आप इस तरह से करिए। और मैंने स्क्रीन पर जब लेके जाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कौन सा साइट से, लास्ट में मैंने दिखाऊंगा कौन सा साइट से आप काम करवा के बना सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको काम कराओगी तो आपको 5 लाख पक्का होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको नहीं होगा। और आप डायरेक्ट ऑफिस पर जाना है, ऑफिस पर आप फ़ोन में बात करके 5 लाख दे देगा और काम कर देगा ऐसा नहीं है। आप वहाँ पर जाना है, जिस ऑफिस के बारे में बताऊंगा वहाँ पर जाना है। जाने का बाद में इसका कितना आदमी आपका ऐप पर काम करेगा ये आप बात कर लीजिए। मान लो 10 आदमी 15 आदमी काम करेगा, 1 महीना कितना दिन काम करेगा, 1 महीने तक काम करेगा, तो स्टार्टिंग में कितना पैसा देना पड़ेगी। आप पहले 50,000 1 लाख ऐसा जमा करिए, उसके बाद में काम जितना करते रहेगा उतना आप पैसा देना है। और आपका काम आपको पूछेगा किस तरह से होना है, कहाँ पर क्या बैठना है, कैसे होना है, सब कुछ आपको पूछा जाएगा। आप बता के देना है आपका मर्जी में। अगर आप बोलोगे उनको आपका मर्जी में बना दो तो इनका मर्जी में बनाएगा तो कुछ शायद अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन काम सच में करके देगा, लेकिन जो फैसिलिटी क्या भी देगा तो इसको उसका दिमाग से दे देगा तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आप सोच के आप बताना पड़ेगा कैसा बनाना है, इसीलिए ऐसा बता के आप बना सकते हैं। और 5 लाख आपका खर्चा होगा, आप अगर बनाओगी तो आपको 2-2.5 लाख 2-2.5 लाख खर्चा करके हो जाएगा। तो मैं खुद ही बनाया है इसीलिए ज़्यादा खर्चा नहीं है, और आदमी लग के काम मैं नहीं कराया। और आप करा सकते हैं, आप मैं आपको सही तरीका सही लाइन दिखाऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्ड का साथ में आपको बता के दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारी आदमी को जानकारी मिल जाए। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, नीचे में कमेंट करिए क्या मैं सही बताया कि नहीं, कमेंट पर बताइए अच्छा लगा है कि नहीं। और अभी मैंने स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा कैसा है, कैसा क्या करना है, आप लोग सब कुछ मैंने आपको दिखा दूंगा। और वीडियो को एंड तक देखिए, और डेवलपर बनना है तो आप काम स्टार्ट करें, और पैसा है तो काम स्टार्ट करें। और फालतू किसी आदमी से, बहुत सारे आदमी फेक आदमी लाइन पर गूगल पे ऐप डाल के रखा है या वेबसाइट डाल के रखा है, यूट्यूब में भी डाला है, मैं बना के देगा मेरे को पैसा दे दो ऐसा बोलता है, ऐसा बिल्कुल 1 रुपये मत दीजिए। क्योंकि आप सबसे पहले जो आपको बताता है इसका कंटेंट देखना, क्या ये सोच में बना इसका है, क्या वो बनाया, क्या अगर उसका है तो वो बनाया तो उसका दिमाग में होगा शायद, क्योंकि वो बना चुका है ना। तो पैसा किसी को सामने बिना जाके पैसा नहीं देना है, क्योंकि आजकल फ्रॉड आदमी बहुत ज़्यादा आदमी है, इसीलिए आप किसी को पैसा मत दीजिए, नहीं तो आपको पैसा जाएगा, आपको लूट ले जाएगा और आगे जाके आप काम नहीं कर सकता है। आपका जो प्लान है, आपका जो ख्वाहिश है, ये पूरी नहीं होगी, आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, बाद में आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप किसी को सबसे पहले आप पैसा मत दीजिए। आप ऑफिस पर जाना है, एक पेपर बनाना है, पैसा आप कितना दे रहा है बोल के एक पेपर बनाना है कंपनी का नाम में, और पुलिस स्टेशन से एक पेपर बना के बाद में पैसा दीजिए। मैं जो बता रहा हूँ उसमें भी आप, मैं जो बता के देऊँगा पैसा लगे के काम करवाना है, उसमें भी आप पुलिस स्टेशन पर एक पेपर बनाना है वो तो बना के दिएगा, लेकिन अगर नहीं दिया तो आप जरूर पूछ लेना, इसको पूछ के आप बना लीजिए, बनाने के बाद आप उससे को काम पर लगाइए। क्योंकि भरोसा नहीं करना है किसी का, अच्छा बात सुन के अच्छा से कोई बात करता है मजाक करके पैसा लूटने के बारे में ही अच्छा से बात करता है, इसलिए आप अच्छा बात ना सुने और अच्छा से बात करिए, लेकिन पैसा मत दीजिए।
बात तो सभी अच्छा करेगी, लेकिन आप पैसा मत दीजिए, पैसा का पेपर बनाइए, पैसा का कारोबार विश्वास में नहीं छोड़ना है, ठीक है। विश्वास में छोड़ोगी तो धोखा हो सकता है, कोई भी फ्रॉड आदमी होगा तो धोखा कर देगा, इसीलिए मैं आपको होशियार कर रहा हूँ। आप विश्वास, पैसा दे के विश्वास नहीं है, ऐसे विश्वास रखो लेकिन पैसा दे के विश्वास नहीं है। आप पेपर बनाइए, पुलिस स्टेशन में कंपनी का नाम देखना है और कंपनी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना है जाके। सिर्फ कोई फालतू नाम दे दिया तो ऐसा नहीं होगी, कंपनी का रियल डॉक्यूमेंट देखना है। आप साथ में कोई आदमी लेके और भी जाइए और जाके एक पेपर बनाइए, उसके बाद में आप काम स्टार्ट करें। तो मैंने आपको स्क्रीन पर लेके अभी जाता हूँ और जाके दिखाऊंगा कितना साइट में आपको काम करना है आपका वेबसाइट बनाने के लिए। वेबसाइट नहीं होगी तो आप डेवलपर नहीं हो सकते हैं। और जब आप डेवलप कर लोगे, आप सोचोगे इतना सारी डिजाइनिंग वगैरह ये कहाँ से करूँगा, तो सभी डेवलप करने के बाद में आपको ऑप्शन मिल जाएगा काम करने का, कैसे करना है नहीं करना। डेवलप करने के बाद आपको सारी ऑप्शन ही मिल जाएगा आपको, किस तरह से कहाँ पर काम करना है, किस तरह से कौन सा आती है, सेकंड में क्या आता है, फर्स्ट में क्या आता है, सब ऐसे ही ऑटोमेटिकली पता चलता है। तो डेवलप बनाने के बाद में सारी जितना सोशल मीडिया है, ऑनलाइन प्ले स्टोर है ना, इनका सारी जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मान लीजिए एक टिकटॉक में शेयर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में देखिए यूट्यूब पर वीडियो डालना है, तो ये जरूर कनेक्शन दिया है, इसीलिए यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद में यूट्यूब में आपका शॉर्ट वीडियो को यूट्यूब पर लेके जा रहा है, ये भी एक कनेक्शन है। जब आप शेयर बटन में क्लिक करके आप क्लिक कर रहे हैं व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप में ये वीडियो लेके जा रहा है किसी फ्रेंड को शेयर करने के लिए। तो ये सब भी ऑप्शन है, ये सब आप तो डेवलप करोगी तो यूट्यूब का साथ, व्हाट्सएप का साथ, कनेक्शन किसका साथ देना है वो आप जो भी मर्जी है आपको ये सब कर सकता है। ये सब अभी ऑप्शन तब आता है डेवलप करने का बाद में, उसका पहले ये सब करने का नहीं होता है। तो आप ही डेवलप करें, मैं आपको वीडियो लेके जाऊंगा अभी और देरी नहीं करूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद में आप गूगल क्लाउड लेके सर्च बार में गूगल क्लाउड लेके और सर्च कीजिए। गूगल क्लाउड लेके सर्च करने के बाद में यहाँ पर देखिए गूगल क्लाउड आएगा, तो गूगल क्लाउड का जो वेबसाइट है उसको क्लिक कर देना। देखिए गूगल क्लाउड वर्डप्रेस यहाँ पर दोनों दिखाई दे रही है, तो गूगल क्लाउड ये ओरिजिनल ऑप्शन है, ओरिजिनल इसका साइट है ये। आप ओरिजिनल पर ही जाइए, गूगल क्लाउड इस तरह से दिखाई देगी गूगल क्लाउड का। देखिए यहाँ पे $30 है, वो आपको भी रिटर्न भी मिलता है पैसा बाद में, इसीलिए $30 देखा रहा है। इसके बारे में आप पूरा वीडियो देख लेना है, देखने के बाद में यहाँ से आप एक डोमेन होस्टिंग परचेस कर लेना। अगर डोमेन आपका आदर्श में है तो आप डोमेन को यहाँ पर होस्टिंग के साथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, होस्टिंग भी ट्रांसफ़र होती है, डोमेन भी ट्रांसफ़र होती है किसी आदर्श में करोगी तो। तो ये सब आप यहाँ से इसके बारे में वीडियो देख के आप कर लेना है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सभी बताऊँगा तो टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ आपको बता के जाऊँगा कौन सा साइट कब काम में लगती है। ये डायरेक्ट इससे जब आप वर्डप्रेस ऐप के साथ कनेक्ट करोगे, बाद में आपका जो वेबसाइट आएगा इसी तरह से देखिए यूट्यूब का जैसा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, बाद में दिखाता हूँ। www तीन बार आएगा, w बाद में डॉट आएगा, बाद में आपका साइट का नाम आएगा, बाद में .com आएगा, बस ऐसे ही। तो अभी दिखाता हूँ आपको इसका वेबसाइट बनाने के बाद में आप वर्डप्रेस पर जाइए, गूगल में दोबारा लिखिए, वर्डप्रेस इसका अंदर मिल जाएगा। जब आप होस्टिंग परचेस करोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करना है या अदर्स में करना है दिखाई देगा। तो वर्डप्रेस पर आप करिए, क्योंकि सभी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस से ही करता है, दूसरा में नहीं करता है, दूसरा ज़्यादा चलता नहीं है, वर्डप्रेस ही ज़्यादा चलता है। जैसे कि ब्राउजर में सर्चिंग में आपका ये आती है, इसके लिए वर्डप्रेस ही अच्छी है सबसे। तो वर्डप्रेस में आपको बेसिकली अलग में दिखा देता हूँ। देखिए ये वर्डप्रेस का ओरिजिनल वेबसाइट है, देखिए ये वाला।
आप इसका नाम स्कैन कर लेना, स्कैन करके आप देख लेना है। देखिए ये इसका वर्डप्रेस का ओरिजिनल साइट है, ये भी आपको काम में लगेगा डेवलपर बनने के लिए। आपको जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट बनाने के लिए आप टेम्पलेट खुद ही बना सकता है, खुद बनाना पड़ेगी। और टेम्पलेट अदर्स का किसी और का लगाना चाहिए तो लगा सकता है, लेकिन आपका इनकम से वो भी इनकम कर लेगा, उसका भी वेबसाइट का नाम रहेगा, उसका भी कुछ रह जाएगा। इसीलिए आप वर्डप्रेस पे टेम्पलेट भी ले सकते हैं, टेम्पलेट बना भी सकता है, क्योंकि टेम्पलेट बहुत सारी टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। और आपको टेम्पलेट बनाने के लिए किस साइट से बनाना है, कैसा बनाना है, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। यहाँ से आप किसी टेम्पलेट को लेना है तो ले सकता है, वो अदर्स भी और टेम्पलेट का साइट और भी मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकता है। बहुत सारी टेम्पलेट का ऑप्शन है। आप अगर एडिट नहीं कर सकते हैं टेम्पलेट, आपको डिजाइनिंग नहीं आता है, तो आप ऐसे टेम्पलेट आप ले लेना। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ आपका वेबसाइट कैसे होगी, आपका वेबसाइट कैसा होगा, यहाँ पर लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए ऊपर में गूगल एडवर्ड्स का, गूगल एड्स का जो वेबसाइट है यहाँ पर शो हो रही है। जब इसमें मैं क्लिक करूँगा ऊपर में, आप देखिए सबसे पहले आएगा google.com, क्योंकि ये google.com से डायरेक्ट बना हुआ है। देखिए यहाँ पर YouTube का जो वेबसाइट है, YouTube का वेबसाइट किस तरह से आएगा, देखिए ऊपर में google.com ही आएगा, देखा जल्दी चला जाता है। अब देखिए फेसबुक का वेबसाइट पर आए हैं, फेसबुक का वेबसाइट पर जब क्लिक करूँगा क्या दिखाएगा, देखिए व्हाट्सएप बिजनेस, तो आप क्रोम ब्राउजर में आ जाइए। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद में आप ये लिख के सर्च करिए, सर्च करने के बाद आपको ग्रासिंग करने के लिए आ जाएगा। ये पैड मैं दिखा रहा हूँ फ्री, और एक दिखाऊंगा दो है, तो ये पैड है, देखिए यहाँ पर इसका यह है ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैं यहाँ पर वीडियो के रिलेटेड देखा था, देखिए सभी गेम वगैरह वीडियो है, क्योंकि इससे गेम ही बनता है, फिल्म भी इंडस्ट्री का वाला काम करता है, इससे ग्राफिक करता है। आपको पेड़ लगाना है, जंगल बनाना है, कुछ भी बनाना है, किधर भी आपका फिल्म का साथ तो बना सकता है इससे। देखिए इस तरह की ओनली वीडियो इनका साथ मिलते रहेगा। देखिए गेम रिलेटेड वीडियो है, इससे गेम बना सकता है, बना के अपना ऐप अपना वेबसाइट पर आप लगा सकता है। तो मैं इसका वेबसाइट पर जाके दिखाता हूँ, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ इसलिए वेबसाइट पर जाएगा क्या नहीं पता नहीं, मैं कंप्यूटर से क्या था पहले, चलिए देख लेता हूँ। और एक फ्री वाला देखा देता हूँ बाद में, इसका क्या क्या फंक्शन है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं अभी फ्री वाला में आया है, ये फ्री है, इस पर आप ग्रासिंग कर सकते हैं फ्री, बिल्कुल दोनों में सेम होता है, कोई फर्क नहीं है। इसके लिए आप फ्री पर करिए, आपको अदर्स कुछ मटेरियल लेना है, कुछ भी मटेरियल मतलब आप लगाना है लेने के लिए, बहुत सारी मटेरियल फ्री मिल जाएगा। आपको मटेरियल और लगाना है तो आप खरीदना पड़ता है मटेरियल, आप अगर आपको पास मटेरियल ऑलरेडी है तो भी आप इससे काम करके लगा सकते हैं। देखिए गेम वगैरह सब कुछ इससे होता है, देखिए
आप किस तरह से क्या बनाना है कर सकते हैं। कोई अगर इंसान हट रहा है ना, हटने के टाइम में इसको साया आता है ना, आप ग्रीन स्किन का वीडियो बनाओगी तो आपका जो धूप में जो साया आता है ये कट हो जाएगा ना, इसलिए साया को दोबारा बनाने के लिए आप इंसान कोई हटने के टाइम में अगर धूप आ रहा है तो इंसान का एक साया मिट्टी में जाता है ना, वो उस बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये उस ग्रासिंग पर जाके आप बना सकते हैं, आपका पेड़ कितना सामने जा रहा है, हाथ कितना पीछे जा रहा है, सामने जा रहा है, ये सब मिट्टी में दिखाई देता है साया। तो आदमी सोचता है धूप आया इसीलिए इसका साया यहाँ पर है। और पेड़ भी आप लगा सकते हैं, छोटा बड़ा पेड़ कितना है साइज में लगाना है सभी आप कट सकता है, आपका मिनिमाइज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिफरेंस करेगा कैसे करना है। देखिए बहुत सारे आदमी बहुत तरीका से बना रहा है, बहुत ऐप है इससे बना चुका है, बहुत सारे आदमी ये सब यूज़ करता है, फिल्म इंडस्ट्री वाले भी ये यूज़ करता है। तो आप लोग इससे करिए। और डिज़ाइनिंग के लिए आपको जो फ़ोटो वगैरह इमेज या वीडियो एडिटिंग के लिए जो होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी उस पर लेके जाऊंगा, बाद में ऐप बनाने का किससे ऐप बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए मैंने आ चुका है यहाँ पर, फिल्मोरा 9 लेके आप सर्च करोगी कंप्यूटर में तो आपको फिल्मोरा 9 का साइट मिल जाएगा आपको। तो देखिए इस तरह से फिल्मोरा का यह देखिए लोगो है, लोगो या मोबाइल का लोगो दिखाई दे रहा है, आपको कंप्यूटर का लोगो यह है, देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का लिए लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप जब फिल्मोरा 9 का ओपन करोगे, ओपन करने के बाद देखिए बहुत सारे आदमी किस तरह की काम कर रहा है। देखिए मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि दूसरे का वीडियो कॉपी राइट आ जाएगा, इसके लिए देखिए आप यहाँ से देख के पता लगाइए आपको ये लोग किस तरह से काम कर रहा है। आप तो इसका रिलेटेड वीडियो सर्च करके देख लेना है फिल्मोरा 9 का कैसे काम करता है। तो मैं आपको साइट पर ओपन करके दिखाऊंगा, चलिए देखिए फिल्मोरा एक मोबाइल का भी है, मोबाइल का भी है और जियो का है। तो आप कंप्यूटर में देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और काम भी बहुत बढ़िया है, ये फिल्म इंडस्ट्री वाला ही यूज़ करता है, उसकी उससे बेहतर और कोई नहीं है, वही बेहतर है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, दूसरा वाला नहीं बताऊंगा, बेहतर वाला ही बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने लेके जाऊंगा आपको जहाँ पर ऐप बनाना है, सारी चीज़ यहाँ पर ये जितना बताया है इतना में ही हो जाता है। वेबसाइट के बारे में तो बता चुका है और मेरा ऐप के बारे में भी किसी को जानना चाहिए तो मेरा ऐप भी दिखाऊंगा आपको प्ले स्टोर में। अभी आपको ऐप किससे बनाना है दिखाऊंगा आपको। तो टेम्पलेट के बारे में मैं बता चुका हूँ, टेम्पलेट अगर आपका इससे बना सकते हैं वर्डप्रेस के साथ आपको तो ज़रूर कनेक्ट करना ही होगा, आपको वेबसाइट वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करना ही होगा। यहाँ से आप कुछ टेम्पलेट वगैरह लगा सकता है अगर आपका आप ग्रासिंग करके अभी जो साइट देखा के आया आपको इससे ग्रासिंग करके आप टेम्पलेट बना के यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि टिकटॉक यूट्यूब ये लोग टेम्पलेट खुद बनाया है, आप दूसरा का यूज़ मत करें, आप बना नहीं सकते तो आप यूज़ करें, नहीं तो उसका दूसरा का ही टेम्पलेट यूज़ ना करें क्योंकि अच्छा होगा आपका। आप टेम्पलेट बनाओगे आपका ऊपर डिफरेंस करेगा, कैसे बनाएंगे कितना डिज़ाइन करेगा ये आपका ऊपर डिफरेंस है, तो इसीलिए आप ही बनाइए। चलिए मैंने अभी ये आपका साइट में जाता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में बता रहा हूँ, देखिए इसका लोगो यहाँ पर शो हो रहा है और इसका जो डेवलपर साइट है देखिए अब मैंने डेवलपर साइट पर जाऊँगा। इससे सारी जितना ऐप है एंड्रॉइड ऐप इससे ही बनते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आएगा, जब आप कंप्यूटर में ये करोगी ओपन करोगी तो आपको ऐप डाउनलोड करना का देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगा और ये बहुत अच्छा एंड्रॉयड ऐप होती है, उससे ही सारी ऐप हुआ है।
और आप अगर ये आईफोन के लिए बनाओगे तो आपका दूसरा साइट है उससे करना पड़ेगी, ठीक है। और अभी मैंने आपको इसको आप अगर आपको चलाना नहीं आता, इससे आप कैसे बनाना है, कैसे HTML जावा सभी इससे करना है तो आपको पता नहीं, तो आप इसकी रिलेटेड वीडियो देख लेना है, ठीक है। इसके रिलेटेड इससे कैसे वीडियो, कैसे ऐप रेडी किया जाता है, कैसे ऐप का काम किया जाता है, अगर सर्च करोगे तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिए। मैं एक वीडियो में सारी चीज़ बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो 10 से 15 दिन लगेगा सभी बता दूंगा, तो इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको सिंपली आपको बड़ी बड़ी साइट जितना है उतना ही बता के दे रहा हूँ बस। चलिए दोस्तों देखिए, यह मेरा ऐप है, ठीक है। आप रिमूव GS लिख के सर्च करोगे जब, तब यहाँ पर 2 नंबर पे आ जाएगा, जितना एडवर्टाइजिंग वाला से नीचे 2 नंबर 3 नंबर में मिल जाएगा आपको रिमूव GS। देखिए यही मैं ऐप बना रहा है, देखिए अभी ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, 500 800 का पास 800 ऐसा डाउनलोडर्स हो गया है। देखिए ये कुछ दिन पहले पेड़ था, अभी फ्री करके रखा है मैंने, इस तरह की ग्रीन स्क्रीन के वीडियो बैकग्राउंड को रिमूव करने का ये ऐप है। आप लोग भी डाउनलोड करना है तो नाम सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में, अभी पेड़ हो जाएगा, 99 रुपीज़ हो जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना, और काफ़ी अच्छा ऐप है, आप लोग भी इस तरह की बना सकते हैं। और अभी मैंने और एक ऐप बनाया है, दिखाऊंगा आप बिजनेस के लिए, ये अभी प्ले स्टोर में नहीं डाल दिया है। देखिए दोस्तों ये है हमारी अगली ऐप है, ये अभी तक प्ले स्टोर में नहीं डाला है, APK डाउनलोड करके रखा है, देख लीजिए इस तरह से। ये शॉपिंग के लिए जो टिकटॉक फ़ोटो लगाना है, ये लगाना है, प्रिंट करवाना है कपड़ा, यहाँ पर सर्चिंग है कौन सा चाहिए, सर्च भी कर सकते हैं। और देखिए यह कितना खरीदेगा, कितना परचेस करेगा यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट कॉल पर लेके जाएगा, ठीक है, कॉल पर लेके जाएगा। इस तरह की मैंने बनाया है, मेरे चैनल का नाम में ही बनाया है, बाद में चेंज करूँगा। और इसका जॉब ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप बिजनेस पर आ जाएगा, ऑर्डर डायरेक्ट व्हाट्सएप बिजनेस पर आएगा, वहाँ से मैं पिकअप करके मेरा यह कर सकता हूँ। चलिए मैं देखा था आपको, देखिए मैंने एक ऑर्डर किया है, ऑर्डर आया है मेरा व्हाट्सएप मेरे इस तरह से आ गया है डायरेक्ट ऑर्डर, आप भी ऐसे कर सकते हैं, ऐप डेवलप करोगे तो आप ऐसा बना सकते हैं। देखिए इस तरह की, देखिए हमारी ऑर्डर्स यहाँ पर भी दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर कस्टमर का नंबर, कस्टमर का सारी व्हाट्सएप सब कुछ दिखाई देगा, व्हाट्सएप में क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप पर लेके जाएगा, कॉल पर क्लिक करोगे कॉल पर जाएगा। हाँ इसका एड्रेस भी यहाँ पर है, एड्रेस फिल करके आप इसको ये कर सकते हैं, इस तरह से आप ऐप बना सकते हैं। मैंने जैसे बताया सब कुछ देख लेना है, PTA सब कुछ के बारे में सर्च करके वीडियो देख लेना है। और अभी आपको बताऊंगा ऐप बनने के बाद में आपका ऐप बंडल APK या ऐप बंडल बनने के बाद में आप कौन सा साइट पर जाके प्ले स्टोर में डालना है। चलिए देखिए गूगल प्ले कंसोल लेके सर्च करिए, देखिए मैंने ये पैसे बाद में किससे कमाना है मैं आपको बताऊंगा। यह है गूगल प्ले कंसोल, ठीक है, गूगल प्ले कंसोल इस तरह से इसको $25 देना पड़ेगा, $25 का मतलब 1830-40 ऐसा हो जाएगा, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, बाद में जितना ऐप बनाओ आप प्ले स्टोर में फ्री में डाल सकते हैं। देखिए मेरा ऐप यहाँ पे शुगर है, मेरा ऐप 172 कंट्री में चल रहा है, देखिए
आप अगर गलत कुछ ऐप बनाया तो आपको प्ले स्टोर में सस्पेंड कर देगा, आपका पैसा वेस्ट होगा। इसीलिए आप गलत ऐप मत बनाइए, आप अच्छा वाला ऐप बनाइए और काम का ऐप बनाइए। बेकार ऐप बनाओगी तो प्ले स्टोर चेक करता है, जब प्ले स्टोर में पब्लिश करोगे तो प्ले स्टोर चेक करता है, ठीक है। प्ले स्टोर वाले चेक करके देखता है ये ऐप सच काम कर रहा है कि नहीं, देख के इसको पब्लिश करता है। और अगर प्ले स्टोर में तलने के लिए आपको प्राइवेसी पॉलिसी का एक URL बनाना होगा, तो इस साइट से आप प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हैं। देखिए इसका नाम आप सर्च करोगे तो लोगो ऐसे आएगा, आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम में सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पर आप जाके देख लेना, सभी लिंक मैं टेलीग्राम पर रखूँगा। देखिए इससे प्राइवेसी पॉलिसी का एक URL बनाइए, आपका वेबसाइट का लिंक डाल के, ईमेल एड्रेस सब कुछ डाल के एक प्राइवेसी पॉलिसी बनाना होगा, नहीं तो प्ले स्टोर में आप ऐप पब्लिश नहीं कर सकता। तो फेक ऐप बनाओगे तो इससे बना सकते हैं, इससे नहीं बनाना है, इसमें अच्छा नहीं होता। देखिए एडवर्टाइज कराओगे तो गूगल एडवर्ड्स से आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप ऐप को एडवर्टाइजिंग करवा सकते हैं, इससे एडवर्टाइजिंग करवा सकते हैं। और ऐप को एडमूव लगाने के लिए यहाँ से लगा सकते हैं, एडमूव ID बना लेना है इस पर, एडमूव अकाउंट पर। यहाँ से आप एडमूव अकाउंट करके आप आपका ऐप पर एडमूव लगा सकते हैं। इसमें मेरा भी अर्निंग है, देखिए मेरा ज़्यादा अर्निंग नहीं है, मैंने एडमूव बंद करके रखा है, अभी यहाँ पर शो हो रहा है एडमूव बंद करके रहा है, थोड़ा दिन चला है, इसलिए $55 नहीं हुआ, डॉलर से कम है। मतलब इस तरह से आप पैसा बहुत सारी कमा सकते हैं। देखिए यहाँ पर $1 से $0.5 तक मेरा हो चुका है। देखिए यहाँ पर मैंने अभी बंद करके रखा है क्योंकि ज़्यादा आदमी एड्स देखने से अच्छा नहीं लगता है आदमी को, और एड्स लगाओगे तो पैसा आपको मिलता है। कितना टाइम के लिए लगाना है, कोई 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, इस तरह से लगाता है। अगर आप लगाओगे तो आप 5 सेकंड का लगाइए, ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आप आदमी लोग एड आएगा तो गुस्सा होकर निकल जाएगा, ऐप यूज़ नहीं करेगा। आपको कम टाइम में लगाइए, मतलब 5 सेकंड के बाद में इसको क्लिक करके हटा सकता है, इस तरह की ऑप्शन लगाइए, ठीक है। और ऐप प्ले स्टोर में मोनेटाइज भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर में डालने के बाद में मोनेटाइज का ऑप्शन आएगा, जब आपका ऐप 100 के ऊपर डाउनलोड हो जाएगा तब मोनेटाइज ऑप्शन आएगा, तब मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज करके मोनेटाइज से भी अलग है, आप अलग में पैसे कमा सकते हैं। और एडमूव अकाउंट से बैनर ऐड, इंटरनेशनल ऐड, इस तरह की बहुत सारी ऐड लग के पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। आपका ऐप, आपका वेबसाइट या आपका ऐप सर्चिंग में डालना है, मतलब गूगल पर कोई भी गूगल पे सर्च करेगा तो आपका ऐप आना है, आपका वेबसाइट भी आना है, आपका वीडियो भी आना है, तो इसके लिए आप गूगल सर्च कंसोल आप सर्च करें। गूगल सर्च कंसोल पर आप एक काम करिए, गूगल सर्च कंसोल में आप अपना वेबसाइट को, बिजनेस हो क्या भी हो, आपको इसको सर्च कंसोल पर डाल देना है। सर्च कंसोल में डालोगी तो गूगल पर आके, क्रोम ब्राउजर पर आके, ब्राउजर में आके कोई भी सर्च करेगा आपका वेबसाइट का, थोड़ा ऑप्शन थोड़ा सर्च करेगा तो पूरा आ जाएगा, मतलब कोई भी एक वर्ड सर्च करेगा तो आ जाएगा। अगर अदर कोई वेबसाइट सर्च कर रहा है तो आपका लिंक भी नाम का साथ मिलेगा, तो थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा आ जाएगा। देखिए एक नाम सर्च करेगा तो बहुत सारी सर्चिंग में आती है, तो इस तरह की, इस तरह से आपका भी साइट आ जाएगा गूगल सर्च कंसोल की मदद से। देखिए गूगल सर्च कंसोल का ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर यही है, देखिए वही है गूगल सर्च कंसोल। गूगल का प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, गूगल का प्रोडक्ट ही आप यूज़ करें। और आपको अभी दिखाऊंगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अभी तक देखा है नहीं, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सबसे पहले ही काम है उसका। जो ऐप के लिए जाओगे सॉफ्टवेयर आपको क्रिएट करना होगी, तो इसका मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारी
वीडियो आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब पर। आप ध्यान रखिए, यहाँ पर नाम भी है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप इससे इस पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कितना ऐप इसे बना है। क्रोम ब्राउज़र, गूगल पर, गूगल का जितना सारी ये ऐप है और जितना अदर्स जो भी ऐप है, अच्छा खासा जो ऐप है सब इससे ही बना हुआ है। मतलब जितना डेवलपर ऐप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब भी इससे बना हुआ है, ठीक है। आप इसके अंदर जब जाओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये सारी जितना साइट बता रहा हूँ मैंने, इतना साइट आपको काम में लगेगा ज़रूर। आप इसके बारे में बीटीए देख देख के आप जब काम शुरुआत करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा आपको चाहिए, सेकंड में, फर्स्ट में, सेकंड में क्या चाहिए, तो आप देख देख के कर सकते हैं। आपको बहुत टाइम लगेगा, दो तीन महीना, 6 महीना ऐसा लग जाएगा। आप अच्छा खासा डेवलप करके एक एप्लीकेशन बनाना है तो कोई बात नहीं है, आप इतना टाइम लगाइए, बनाइए तो आपको फ़ायदा ही होगा ना। तो चलिए मैं इसके अंदर एक बार जाके दिखाता हूँ आपको। देखिए ऊपर में एडवर्टाइजिंग वाला जो मिलेगा उस पर नहीं जाइए, क्योंकि कोई एड्स करके रख देता है ऊपर में। ये देखिए यहाँ पर ओपन सोर्स, ये मैंने मोबाइल पर देखा रहा हूँ, कंप्यूटर में आपको सभी ऑप्शन आएगा और आप इससे अच्छा से काम कर सकते हैं। मोबाइल में सारी ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है। आप कंप्यूटर में ओपन करिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो दोस्तों आप जो भी साइट बनाओगे इससे होता है, देखिए google.com, जितना बड़ी प्लेटफॉर्म आप जाके उसका वेबसाइट पर जाके देख लेना है, ठीक है। सबसे पहले यही शो होगा google.com, उसमें और कुछ भी नहीं रहेगा, यही शो होगा। आप एक दो बार शो होने के बाद में, और शो नहीं होता है बाद में डायरेक्ट चला जाता है, इसलिए आप एक दो बार किसी पर, किसी भी वेबसाइट पर जाके देख लेना, यूट्यूब पर किसी वेबसाइट, व्हाट्सअप वेबसाइट, फेसबुक वेबसाइट, ऐसे सर्च करना, सर्च करके क्लिक करके देख लीजिए। सबसे पहले आएगा google.com, ठीक है। बाद में आएगा यूट्यूब का वेबसाइट पर जाओगी तो सबसे पहले आएगा google.com, उसका बाद में आएगा YouTube.com, ठीक है। आप WhatsApp का सर्च करोगे तो WhatsApp पहले आएगा google.com, बाद में WhatsApp.com आएगा। Facebook पर जाओगे तो Facebook.google.com, Facebook.com आएगा बाद में, ठीक है। इस तरह की क्योंकि वही सबसे मेन होता है, उससे कमाई भी अच्छा होता है, तो आप इसे करना है, ठीक है। और आपका वेबसाइट किस तरह की होगी इससे बनाओगे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए www3 आ रही है ना, www. तो ये गूगल www. बाद में मान लो आपका कुछ है, मैंने xx डाल के रख दिया, मतलब इस xx जो यहाँ पर डाला है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है आप क्या डालना है, ठीक है। उसका बाद में .com डाला है, देखिए मैंने .com डाला है। एक्स एक्स का मतलब यह है आप क्या डालना चाहता है वही, और इस तरह की आपको वेबसाइट होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह की आपको वेबसाइट होगा, और यह आने का पहले यहाँ पर एक्स है ना, यहाँ पर आपका नाम होना है। आपका नाम मतलब आपका वेबसाइट का क्या नाम रखना है वही होना है। आप जो होस्ट डोमेन परचेस किया है ना, डोमेन नेम यहाँ पर होना है, ठीक है। और इसी तरह से होगा, और यहाँ पे लॉक का आइकन होगा, लॉक का आइकन होगा क्योंकि आपका आईडी सिक्योर है, पूरा सिक्योर होगा, इसके लिए इस तरह से आएगा यहाँ पे। और सबसे पहले google.com शो होगा, अगर आप गूगल क्लाउड से करोगे, आप कर सकता है डोमेन होस्टिंग, होस्टिंग घर से कर सकता है, बिग्रो पे कर सकता है, और भी अदर्स है इससे कर सकता है। बाद में आप ट्रांसफ़र करके google.com पर भी लेके जा भी सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट पहले उससे करोगे तो अच्छा होगा। अगर आप ज़्यादा पता नहीं तो आप GoDaddy से कर लीजिए, ठीक है। GoDaddy से करिए, उसमें पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 400-500 में हो जाता है। बाद में आपको
कर सकता है तो बाद में उस पर ट्रांसफ़र कर लेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको विग्रो गुड आईडी से ही करिए, गुड आईडी से कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको सभी जानकारी पता है तो वहाँ से कर लेना। अभी मैंने आपको बताऊँगा पैसा लगा के कैसे बना सकता है। ठीक है, आप अगर किसी को पैसा दे के काम करवाना है तो किससे करवाना है, आप सभी को पैसा मत दीजिए। ठीक है, सभी साइट को पैसा नहीं देना, आप वहाँ पर जाना, जाके पैसा देना है। मैं आपको साइट ओपन करके अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स है, देखिए गूगल एनालिटिक्स की भी बहुत अच्छा है। आपका वेबसाइट पर कोई कौन आदमी कहाँ से क्या कर रहा है नहीं कर रहा है सब कुछ गूगल एनालिटिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। उसको ओपन करना पड़ेगा ईमेल आईडी से, मैंने कंप्यूटर में ओपन है, मोबाइल पर नहीं। तो गूगल एनालिटिक्स इसको आप काम में लगेगा, गूगल एनालिटिक्स का। देखिए यह सब वीडियो गूगल एनालिटिक्स का है, देखिए इसका वीडियो का साइट में देखिए इसका भी लोगो कैसा है गूगल एनालिटिक्स का। यह है इस तरह की आइकन आएगा, गूगल एनालिटिक्स आपको सर्च करेगा तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक साइट है गूगल का, इससे आप ईमेल डाल के इससे कांटेक्ट करके उससे भी बना सकते हैं, लेकिन पैसा मत दीजिए पहले। ठीक है, इससे भी बना सकते हैं, इससे कांटेक्ट करके आप वहाँ पर चला जाना है। चला जाके आप पहले पेपर बनाइए, पैसा लग के नहीं जाना है, आप किसी और के पास रख के जाना है, बाद में पेपर बना के बाद में पैसा ट्रांसफ़र करवाना। ठीक है, और एक साइट में देखा था उससे बेहतर है, और यहाँ पर देखिए और एक साइट है, इससे भी आप काम करवा सकता है। ठीक है, पैसा पहले मत दीजिए। देखिए यहाँ पर और एक नंबर है, इससे भी आप ऐप डेवलपर बन सकता है। देखिए मैंने इससे कांटेक्ट किया, या नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, वहाँ पर जाके आप बना सकते हैं। ठीक है, इससे कांटेक्ट कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर बात ख़त्म है मेरा, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सारे आदमी को जानकारी मिल जाए। देखिए मेरा ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। और आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताना, मैं आपको हेल्प करूँगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना तो आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगा। सभी लिंक में वहाँ पर अच्छा से रख लूँगा, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह के ऑप्शन करके मैं रख लूँगा, जैसे आपको सारी साइट आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए।